आप अच्छा फील कर रही हूँ गुरुजी, 25 सालों के बाद, लेकिन मेरा शरीर पूरा मतलब पिघल गया है गुरुजी। बोन मैरो दूषित हो रहा था, यूट्रस तुम्हारा सोच में गायब था, कैंसर बन रहा था, सड़ रहा था आपका यूट्रस, हैं पूरा शरीर अकलन जकलन जैसी बनी। खुश हो बेटा, पसंद रहिए। गुरुदेव, मैं राजस्थान से आई हूँ, डीएनए में 4 लोग हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वनडे करने का मुझे अनुमति मिली, और मैं 25 सालों से बीमार हूँ गुरुदेव, और मेरा यूट्यूब में आपका वीडियो मैंने 2023 जनवरी से देखा, और मैं आने के लिए इतनी तड़प रही थी कैसे आऊँ, और मेरे को 2 बहनें मिली, वो यहाँ लेके आई, कल परसों में आई, और कल मैंने वनडे किया, और मैं आज अपने आप में अच्छा फील कर रही हूँ गुरुजी, 25 सालों के बाद, लेकिन मेरा शरीर पूरा मतलब पिघल गया है गुरुजी, कमज़ोरी आ गई है, दूसरा कुछ नहीं है। और मेरे अप्रैल में डॉक्टर को बताया था तो पेट में दाई तरफ गांठ बताई है गुरुजी, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये पढ़ लो, सब पता लग जाएगा आपको। इतने रोग और कष्ट थे, उनकी स्मृतियाँ जो जड़ थी लोगों की नष्ट हुई। पढ़ो देखो सब, यही था कि नहीं था, पढ़ते जाओ। जी गुरुजी, यही था। जी गुरुजी, यही था। और कैंसर बन रहा था आपको गुरुजी, यूट्रस में, यूट्रस में वो गार्ड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब नष्ट हुई। गले में कैंसर बन रहा था तुम्हें, ये सब नष्ट। बोन मैरो दूषित हो रहा था, यूट्रस तुम्हारा सोच में गायब था, कैंसर बन रहा था, सड़ रहा था आपका यूट्रस, हैं पूरा शरीर अकलन जकलन जैसी बनी रहती थी। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय थी, एसिडिटी होती थी खूब, इसीलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर खा गए थे पितर आपका, गर्भाशय भी खा गए थे, तो वो सारे रोग कष्ट आपको थे। अब सब अच्छे हो, कोई कष्ट बाकी नहीं, सब गंदगी गई। एक गले में कुछ कह रहे हो, अभी बताया तो मैंने, कैंसर बन रहा था कुछ अटका हुआ सा महसूस होता है मेरे को। आप देखो अटका है नहीं, गांठ है अंदर, अंदर गांठ थी। अच्छा। कैंसर बन रहा था बोल तो रहे, अंदर कैंसर बन रहा था, और कैसे बताया जाए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, हाँ वो सभी नष्ट हुई स्मृतियाँ, नहीं तो कैंसर ही होता सब पूरे शरीर में। फर्स्ट क्लास, खुश रहो। महाउन करिए दरबार की ओर से। कई लोग रखे? 4 लोग। दरबार महाहवन पहले देखा करे, 100 बार बोल चुके हैं। ठीक है, एक महाहवन करना, ठीक है, जाओ खुश। परिवार से एक लोग और रख लेना साथ में किसी को। खुश हो बेटा। गुरु जी, हम डीएनए में 4 लोग हैं। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, 15 दिन पहले आई थी तो आपने आज्ञा दी थी कि वनडे कर लो, जैसे तैसे करके हमने वनडे कर लिया है। अब गुरुदेव, आपसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता, अब आप हमें मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना है। जो करना था तुमने कर ही लिया, इसलिए पागलपन चला गया, मारपीट लड़ाई झगड़ा चला गया, लगता था कोई है आसपास, कोई साथ में है, कोई ये करता कोई वो करता चला गया, सब गंदगी चली गई, रोग चले गए, आत्महत्या के विचार आते थे, तलाक के विचार आते चले गए, सब अच्छी खड़ी हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, अब कोई कष्ट ही नहीं, तमाम रोग कष्ट चले गए शरीर के, तुम्हारे भी चले गए, परिवार के भी चले गए। तुम्हारे ओवरी में यूट्रस में कैंसर बन रहा था, ओवरी में तमाम सिस्ट थे, वो भी चले गए, सब गंदगी गई, सब नष्ट हुई। और आँखों की रोशनी कम होती जा रही थी धीरे धीरे, ग्लूकोमा की स्मृति थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, तो धीरे धीरे पढ़ती नहीं, तुम्हारी बात कर रहे हैं हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, आँखों की रोशनी के कि कम होती जा रही थी। पति के जो कुछ है पति है ही, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। ये रोग कष्ट थे तमाम, पढ़ लो। ये सारे रोग कष्ट थे तुम्हारे, तुम लोगों के ये सब नष्ट हो गए। ये सब थे कि नहीं थे रोग कष्ट? अब ये सब स्मृतियाँ नष्ट हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं, एकदम अच्छी। एक महावन कर लेना दरबार से संकल्प करके, निशुल्क है। अच्छा, लड़की है बड़ी वाली, वो भी
किसी का कहना सुनना नहीं कर रही हो, बाहर बेटा पागलपन, बात सुनो, अभी क्या बताया, अभी क्या बताया, पागलपन की स्मृतियाँ आपके यहाँ हावी, चाहे पति हो, चाहे तुम्हें बिटिया हो और चाहे तुम रही हो, सब में पागलपन की स्मृतियाँ थी। पागलों की तरह कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, ठीक है ना। अब वो सब नष्ट हो गई हैं, तो अब आप अच्छे हो तो गंदगी चली गई, तो आप अच्छे हो ही, अपना एक दरबार का महाअनोर कर लीजिए तो, और गंदगी आपकी जो असाध्य रोग भी नष्ट हो जाए, ठीक है। अपना पति का संकल्प कर लेना, बिटिया को रख लेना इसी, ठीक है, खुश हो।